खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा मऊ शहर को सुसज्जित करने के लिए एवं आगामी त्योहारों के मद्देनजर शहर को सुंदर बनाने के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा हर वार्ड के विकास कार्य के लिए 15-15 लाख रुपए स्वीकृत किए, जिसके तहत वार्ड नंबर 8 के पार्षद कैलाश दत्त पांडे द्वारा लुनियापुरा चौराहे पर तेवर ब्लॉक का कार्य का भूमि पूजन किया। उस समय क्षेत्र के गणमान्य नागरिक एवं विशेषकर कैंटोनमेंट बोर्ड उपाध्यक्ष अरुणा दत्त पांडे, वरिष्ठ वकील जेडी तिवारी विशेष रूप से उपस्थित थे। कोरोना काल के कारण एवं पिछले दो बार 6-6 महीने का पार्षदों को कार्यकाल बढ़ने से मऊ शहर का विकास पूरी तरह से ठप था, जिसे लॉकडाउन खत्म हुआ कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा पूरे मऊ शहर में विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसके तहत हर वार्ड में 15-15 लाख रुपए विकास कार्य के लिए दिए गए हैं, जिसमें त्योहारों के बाद पहले मऊ शहर स्वच्छ एवं सुंदर दिखे के प्रयास कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा किए जा रहे हैं। ये मऊ की मुख्य सड़क है जो शहर को स्टेशन की ओर ले जाती है, क्योंकि 15,000 से 20,000 लोग प्रतिदिन मऊ से इंदौर अपडाउन करते हैं, वो कभी इस सड़क से निकलते हैं अधिकांश लोग। इस सड़क का सुंदरीकरण करने का हम लोगों ने ये शुरुआत की है और इसमें अभी नए ब्लॉक हम लोग लगवा रहे हैं, पेवर ब्लॉक, उसके कारण ये अच्छी दिखने लगेगी और भी इसके साथ में इसके सुंदरीकरण के कार्य कराए जाएंगे। करीब 15 लाख रुपये इस पर हम लोग अभी खर्च कर रहे हैं पेनी किस्त में, उसके बाद धीरे धीरे इसको एक अच्छा स्वरूप दे करके लाइट वगैरह ये वो सब करके और एक अच्छा स्वरूप हम इसको देंगे। वार्ड क्रमांक 8 में क्योंकि ये सड़क आती है, इसलिए हम लोगों ने इसको वार्ड क्रमांक 8 के फ्रंट से काम करने की शुरुआत की है। अभी पानी की टंकी भी हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, उससे राहगीरों को भी पानी मिलेगा और यहाँ के लुनियापुरा क्षेत्र के लोगों को भी पानी मिलेगा। ये जो पानी की टंकी में जो पानी आएगा कहाँ से आएगा? ये हमने उसके वहीं ट्यूबवेल कराया है, उसमें काफ़ी पानी मिला है, करीब 4-4.5 इंच पानी है उसमें, किसानी की भाषा में यदि हम लोग बोले तो, और काफ़ी पानी है, उससे लोगों को भी मिलेगा। एक प्याऊ भी लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। हमारे वरिष्ठ एडवोकेट मऊ के जेडी तिवारी जी हैं, इन्होंने बोला है कि मैं प्याऊ लगवा दूंगा यहाँ पे, तो एक प्याऊ के राहगीरों के लिए लगवाएंगे और साथ में मोहल्ले के लोगों को भी, जो हमारी पूरा क्षेत्र है 8 नंबर वार्ड में, उसमें भी सभी लोगों को इससे पानी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। ठीक, सबसे पहले वार्ड क्रमांक 8 के आदरणीय पार्षद श्री कैलाश दत्त जी पांडे का पूरे मोहल्ले और लुनियापुरा की ओर से मैं हार्दिक आभार मानता हूँ कि उनके द्वारा हमारे छोटे से निवेदन पे पानी की समस्या को देखते हुए एक बोरिंग कराया गया है। 5,000 लीटर की टंकी रखवाई जा रही है, जिससे कि ये मान के चलिए कि आप लुनियापुरा में पानी की समस्या लगभग समाप्त हो जाएगी। और साथ ही साथ जैसा कि बताया गया है कि ये जो रोड है मऊ के मुख्य रोड है, जो रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और मुख्य स्थानों तक यहाँ से जाती है और प्रतिदिन कम से कम 50,000 के आसपास जनसंख्या यहाँ से निकलती है, सभी विभिन्न गांवों से लोग आते जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस रोड का अपने आप में सुंदर होना बहुत आवश्यक है। उसी तारतम्य में हमारे पार्षद महोदय ने जैसा कि पुराने ब्लॉक लगे थे जो काफ़ी दब चुके हैं और जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, उन्हें हटाकर अच्छे नए पेवर ब्लॉक लगाने की शुरुआत की है, जिसमें काफ़ी मात्रा में रुपया खर्च हो रहा है, जिससे कि ये मान के चलिए कि मऊ की सबसे सुंदर रोड में से एक रोड हो जाएगी। और इस बात के लिए भी मैं हमारे पार्षद महोदय, साथ ही साथ छावनी परिषद मऊ की उपाध्यक्षा श्रीमती अरुणा दत्त जी पांडे के लिए भी बहुत बहुत आभार मानता हूँ। मऊ से संजय वर्मा की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।